सच सच बताइए, कौन है आप लोग? देखिए, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे, और अगर ये बात सच है तो हम समझ सकते हैं कि उस पत्नी पर क्या बीतेगी जिसका पति कुछ ही दिन पहले खत्म हो चुका हो। नहीं, वो तेज नहीं हो सकता है, ये सब झूठ है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो तेज नहीं है, वो विक्रम है, विक्रम, हमारा बेटा विक्रम। पता नहीं उसके दिमाग पर ऐसा क्या असर पड़ा है और वो ऐसा क्यों बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो लगता है कि ये सब ऊपर वाले का खेल है और इस समझदार से अब हमें ऊपर वाला ही निकालेगा। लेकिन एक बार अपना आंचल फैलाकर तुमसे भीख मांगती है कि जब तक मेरा बेटा अच्छा नहीं हो जाता उसका तुम ख्याल रखो, उसकी जिंदगी तुम्हारे साथ छोड़ी है। हम ये नहीं कहते कि तुम उसे अपना पति मानो, लेकिन जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती तुम उसका ख्याल रखो, हम पर रहम करो। अरे अरे बस करो, ये सब बहुत हो गया है। पहले बेटा आया था नाटक करके गया है, अब माँ बाप आए हैं नाटक करने के लिए। अरे ये कोई ड्रामा कंपनी है क्या? सच्चाई तो सच्चाई है, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। चलो विक्रम जी। अरे साला, बर्दाश्त करने का भी कोई हद होता है कि नहीं? भाई कहाँ नौटंकी लगा रखा है घर में, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया नौटंकी। जो अपने आप को तेज कहते हैं, चाहे कोई भी हो, हम उसे ये घर में लेकर आएंगे। अरे पागल हो गई हो तुम, ये कैसी बात कर रही हो? ये सब धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, पता नहीं ये माँ बाप भी असली थे या नहीं, और तुम इनकी बातों में आकर उस बहरूपे को घर में लाने की बात कर रही हो। जय, क्या तुम्हें भी लगता है कि हो ना हो विक्रम के शरीर में तुम्हारे तेज भैया का आत्मा है? और अगर ऐसा ना भी हो तो आज जिस तरह हम एक माँ को अपने बेटे के लिए रोते हुए देखे हैं, ना आंचल फैलाकर उसके जिंदगी के लिए भीख मांगते देखे हैं, उसके बाद हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। विक्रम के लिए ना सही पर उसकी माँ के लिए तो हमारा फर्ज बनत है ना। और रही बात उसे तेज मानने की, तो ये दुनिया में तेज की जगह और कोई ना ही ले सकते है। उसे हम तेज कभी मान ही नहीं सकते, लेकिन इंसानियत के नाते हम चाहते हैं कि वो आदमी हम लोगों के बीच में ही रहे। वो कहा है ना, अगर उसे कुछ हो जाता है तो एक माँ का बहुत ही बड़ा कर्ज हम पर रह जाएगा, बहुत ही बड़ा कर्ज। पूरा भरोसा है बिट्टू,
एक ना एक दिन तुम्हें अपने तेज की सच्चाई पे भरोसा होकर रहेगा और तुम हमारे पास आओगी हमको लेने के लिए। बिट्टो तुम आ गई। बिट्टो हमको पूरा भरोसा था कि तुम्हें हमारी सच्चाई पे यकीन जरूर हो जाएगी। कोई हमें पहचाने या ना पहचाने, लेकिन हमें पता था तुम हमें जरूर पहचानो। देखिए हम आपको घर ले जाने जरूर आए, पर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है और ये बात अब हम स्वीकार कर चुके हैं। आप जो भी हैं हमारे पति नहीं हो सकते हैं। तो क्यों आई हो? बोलो ना, क्यों आई हो तुम? अभी भी और सवाल है तुम्हारे दिमाग में? कुछ और पूछना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारा तेज हूं, इसका तुम्हें और सबूत चाहिए? बोलो ना। हमें अपने पति को पहचानने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। हम तो इंसानियत के नाते यहाँ पे आए हैं, एक माँ की परेशानी देखकर यहाँ पर आए हैं, उस माँ के लिए आए हैं जो तुम्हारे लिए परेशान है, जिसके रो रो कर आंसू सूख गए हैं तुम्हारे लिए। देखिए हमारा तुम्हारा कोनो रिश्ता नहीं है, एक माँ की भावना के आके हार कर हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं विक्रम। देखो बेटो, हम नहीं जानते कि तुम किनके आंसुओं की बात कर रही हो। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने हमें एक मौका दिया और हमें पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हें हमारी सच्चाई पे भरोसा हो जाएगा। दुनिया में करिश्मे होते हैं, उम्मीद तो ये है कि एक ना एक दिन तुम इस करिश्मे को स्वीकार लोगी। भगवान के लिए हमें छोटे सपने मत दिखाइए। इस दुनिया में कोई करिश्मा नहीं होता है, अगर करिश्मा होता तो भगवान हमसे हमारे तेज को ना ही छीनते। मत दिखाइए हमें सब, मत दिखाइए। बिट्टो पीछे पीछे काहे टहल रही हो? और ऐसे घूर काहे रही हो मैं? अरे हम तो आपका हालत देख रहे थे। जब से वो भैरूपी ने एक आ कह दिया है कि तेज देवर जी के टेम्पो का ब्रेक फेल था, आपको तो जैसे सांप ही सूंघ गया। सांप सूंघ नहीं गया, डंक मार गया। और हमें डर इस बात का है कि अब तक जो महलों का सपना देख रहे थे ना, कहीं काल कोठरी में ना जाना पड़े। अरे सुप सुप बोलिए ना, एकदम शांत दिमाग से सोचिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। अरे खाक रास्ता मिल जाएगा। अरे इसे क्या हुआ और यहाँ कहाँ से रही है? अरे फिर से तो कोई हंगामा नहीं खड़ा कर दी ना गाँव में? ए नौटंकी, हम यहाँ दोबारा क्या करने आए बे? ऐसे तो हमने बहुत बेशरम देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा वज्र बेशरम आज देख। यहाँ क्या करने आए? इतना हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। हम ना तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आए और ना ही हमें आप लोगों से कोई लेना देना। हम तो यहाँ सिर्फ अपनी बिट्टू का विश्वास जीतने आए। अरे ये कोई कंपनी बात नहीं है कि मुंह उठाए और आ गए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने का? हाँ और किसका इजाजत से तुम यहाँ आए हो? बिट्टू की। बिट्टू तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई महारानी विक्टोरिया का परमिशन लेके आए हो। और उसको ये अधिकार किसने दिया कि इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, इसका निर्णय वो ले ले।
इज्जत होगा, जिसका दो कौड़ी का इज्जत नहीं है इस हवेली में। भाभी, इससे पहले कि हम ये भूल जाएं कि आपका और हमारा रिश्ता क्या है, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए हमारी पत्नी के बारे में। आपको अच्छी तरह पता है कि जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत के लिए अपने माँ बाप अपने परिवार तक को छोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तेज प्रताप सिंह नाम है मेरा, याद रखिएगा। पता नहीं आदमी को हमारी बात काहे समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकत है। हमें हिम्मत दीजिए, हमें आपके सहारे की जरूरत है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये आदमी अपने आप को आपकी जगह रखकर देखता है, हम इसे घर पर लेकर आए हैं। पता है ना, एक माँ की परेशानी हमसे देखी ना ही गई। हिम्मत दीजिए कि एक माँ के भरोसे पर हम खरा उतर पाए। वादा किया था कि जब मैं लौट के आऊंगा तो तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा। लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मर्जी वक्त ले लो मुझे समझने के लिए, सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार। आज हम तुम्हारे लिए झुमका लेकर आए, झुमका लेकर आए। चलते हैं, नहीं तो देर हो जाए, नहीं तो देर हो जाए, नहीं तो देर हो जाए। तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए मेरे भाई। अरे तुम तो मेरे सबसे करीब थे, मुझे जान से ज्यादा चाहते थे, फिर मुझसे इतनी नाराजगी क्यों? देखो तुम जो भी हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लो तुम, ना ही बिट्टो तुम्हें कभी अपना पति मान सकती है और ना ही मैं तुम्हें कभी अपना भाई। एक और बात बहुत अच्छी तरह से सुन लो तुम, ये बिट्टो की इंसानियत है कि आज तुम यहां इस घर में खड़े हो। बिट्टो ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफें उठाई है, इसलिए अगर तुम्हारी वजह से बिट्टो को कुछ भी दुख पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। मुझे आज सच में बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे भाई, जिसने मेरी पत्नी को मेरे पीछे से भी तकलीफ नहीं होने दी। मुझे खुशी है कि तुम बिट्टू की इतनी फिक्र करते हो। लेकिन जय, मैं भी अपनी पत्नी को जानता हूं कि उसे एक ना एक दिन यकीन हो ही जाएगा कि मैं ही तेज प्रताप हूं, और उस दिन तुम भी मान जाओगे कि मैं अपनी पत्नी की जिंदगी में खुशियां वापस लाने के लिए आया, तुम्हारी दोस्त को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। आज का दिन देखने को मिल रहा है हमको। ससुरा बिट्टू के चक्कर में एक बारूपिया हमको ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को घर में घुस कर धमकी देकर चला गया, और हम चुपचाप खड़े उसका धमकी सुनते रह गए। अरे काहे सुनते रहे उसका बात? टीचरों काहे नहीं दबाते उसका? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वैसे ये खून का बोझ ये सर पे घूम रहे हैं, पता नहीं कब पकड़ में आ जाए। और चाहती का होता इस सरे हम दूसरा खून करके जेल के अंदर चले जाए? हाँ तो क्या करेंगे? अरे करेंगे का? ऐसे ही उसका बात सुनते रहेंगे का? कोई और उपाय तो निकालना ही पड़ेगा उसका, और कोई ऐसा उपाय जिससे सारा सच्चाई बाहर निकल के आ जाए। आप ही कमरे में क्या कर रहे हैं? देख रहा हूं कि भगवान का एक ऐसा करिश्मा, जिंदगी दी तो पहचान छीन और ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मेरे खुद के परिवार वाले मुझसे मेरी पहचान का सबूत मांग रहे हैं। चाय पियेंगे आप? जरूर, लेकिन ये तो तुम अपने लिए लाई हो। हम नीचे जाके पी लेंगे, अगर आपको पीनी है तो पी लीजिए। बिट्टू, तुम नीचे क्यों जा रहे हो? एक ही कप में चाय पी लो। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि एक कप में चाय पीने से प्यार बढ़ता? हम एक ही कप में चाय पी, एक ही कप में चाय पी। वो कहा है कि एक कप में चाय पीने से प्यार बढ़ता, चाय पीने से प्यार बढ़ता। लो पियो। हमें ना ही पीनी है चाय। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा प्यार बढ़े? पियो ना। नहीं पीनी। पियो ना। प्यार तब बढ़ता है जब होता है, और हमारा प्यार तो हमारे पति के साथ ही मर चुका है, खत्म हो चुका है। उस मरे हुए प्यार को कोई जिंदा नहीं कर सकता। चले जाइए कमरे से, अभी इसी वक्त निकल जाइए यहाँ से। सुना नहीं आपने? हमने कहा चले जाइए इस कमरे से।